अगर आप सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आपको मेरे वीडियोस एग्जैक्ट उसी वक्त मिल जाएंगे जब मैं उसे अपलोड करता हूँ। हमारी धरती बहुत ही विशाल है, ये अमेजिंग और ब्यूटीफुल जगहों से भरी पड़ी है। पर इस धरती पे कुछ ऐसे जगह भी है जो बड़ी ही रहस्यमय है। आज मैं आपको दुनिया के उन रहस्यमय जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके रहस्य आज तक अनसुलझी है। सो लेट्स एक्सप्लोर द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस यू वोंट बिलीव एक्चुअली एग्जिस्ट। नंबर 5, द रेड फॉल्स ऑफ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, ये पूरी धरती की सबसे ठंडी और वीरान जगह है। दुनिया की 90% फ्रेश वाटर एंटार्क्टिका में ही पाई जाती है। ये धरती का एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है। इस कॉन्टिनेंट पे आपको दूर दूर तक ना कोई पेड़ पौधा दिखेगा और ना ही कोई इंसान। इस कॉन्टिनेंट की एक जगह पे एक बहुत ही रहस्यमय फॉल है जहाँ से लाल कलर की लिक्विड निकलती है। ये पिक जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ब्लड फॉल्स की पिक्चर है। ब्लड फॉल्स को सबसे पहले 1911 में रिकॉर्ड किया गया था। इस इमेज में जो आप सॉल्टी वाटर को देख रहे हो, इसकी कलर लाल है और ये बिल्कुल खून जैसी दिखती है। एंटार्क्टिका के इस एरिया में जब साइंटिस्ट्स ने पहली बार इस तरह की लाल रंग की फॉल्स को पाया तो वो पूरी तरह से चौंक गए थे। शुरू में तो जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो वो उस जगह को कोई कुदरत का करिश्मा मानने लगे और इसी खून जैसी दिखने वाली लिक्विड के चलते इसे इसका नाम मिला जो है ब्लड फॉल्स। बहुत लोग ये मानने लगे कि ये खून की फॉल्स है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अंधविश्वास को विज्ञान कभी नहीं छोड़ता, इसलिए साइंटिस्ट उस जगह पर रिसर्च करने गए और उन्होंने उस वाटर की सैंपल्स को ले आके लैब में टेस्ट किया। इससे उन्हें पता चला कि उस वाटर में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम उसे आयरन रिच वाटर भी कह सकते हैं। जब वो वाटर बर्फ के सतह के नीचे से बाहर की तरफ निकलती है, उस जगह पे तो कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं, आयरन का कांटेक्ट जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो उस आयरन में रस्ट यानी जंग लग जाती है। उसी तरह जब वो आयरन रिच वाटर सतह पे आती है तब वो ऑक्सीजन के साथ मिलके रस्ट यानी जंग क्रिएट करता है और इसलिए इस वाटर की कलर लाल हो जाती है। तो यही है इसके पीछे की साइंटिफिक कॉज। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें मिस्ट्री कहाँ है, ये तो सॉल्व हो गई। असल में अभी तक इसकी सॉल्व साइड को मैंने आपको बताया है, इस जगह के बारे में क्या अनसॉल्व है वो भी सुन लो। इसकी असल मिस्ट्री सतह के ऊपर नहीं बल्कि सतह के नीचे मौजूद है। साइंटिस्ट सतह के नीचे के सोर्स पर गए और उस रॉक की सैंपल्स को ले आए। जब साइंटिस्ट ने इसे लैब में टेस्ट किया तो उसमें जस्ट आयरन ऑक्साइड ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट को 17 तरह के माइक्रोब्स मिले। ऐसे ऐसे माइक्रोब जो उस जगह पे रह सकते हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है। ये तो बड़ी अजब बात है, साइंटिस्ट को आज तक नहीं पता चला कि ये माइक्रोब्स आखिर जिंदा कैसे रहते हैं। यही आज तक एक अनसुलझा रहस्य बन के रह गया है। एंटार्क्टिका दुनिया के उन जगहों में से है जहां अक्सर नए क्रिएचर्स पाए जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि धरती पे अरबों प्रकार के जीव जंतु पाए जाने के बाद भी आज भी ऐसे माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। ये माइक्रोब्स ऐसी हालत में एंटार्क्टिका में कैसे रहते हैं, ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 4, द अंडरवाटर सिटी ऑफ सिसेंग, चाइना। ये एक बहुत ही रहस्यमय शहर है जो चाइना के एक बहुत ही फेमस लेक के नीचे मौजूद है। जी हाँ, मैंने नीचे कहा। इस शहर का नाम द लायन सिटी है। इस शहर को करीब 1000 साल पहले आप देख सकते थे, ये उस समय मौजूद थी, पर इसके ऊपर लोगों ने एक झील बना दिया और इसलिए अब जब आप इसे ऊपर से देखोगे तब आपको कोई शहर नहीं दिखेगा, सिर्फ पानी दिखेगा। इस शहर को पूरी तरह से पानी के नीचे डुबा दिया गया, पर कई सालों बाद स्कूबा डाइवर्स ने इसे डिस्कवर किया। कई डाइवर्स ने इस जगह की तस्वीर भी खींची। अजीब बात यह है कि उस समय की बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स आज तक इस जगह पे मौजूद है।
और ये काफी अच्छी हालत में भी है। इस जगह पे बिल्डिंग पे इंसान की बनी हुई आकृतियां आज भी मौजूद है। साइंटिस्ट को पता चला कि ये मॉन्यूमेंट करीब 1000 साल पुराना है, पर इसकी डिटेल्स किसी भी जगह पर नहीं पाई गई। उस समय के शासकों ने इस शहर के ऊपर आखिर झील क्यों बनवा दिया और वो इसे पब्लिक की आंखों से दूर क्यों ले गए, ये कोई भी नहीं जानता। विचारकों का मानना है कि ये पहले एक हंसता खेलता शहर हुआ करता था, पर किसी रहस्यमय घटना के चलते ये शहर खत्म हो गया। पर बिल्कुल अटलांटिस की लॉस्ट सिटी की तरह ये भी एक रहस्य बन के रह गई है। आजकल इस लेक को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया गया है। अगर आप चाइना विजिट करें तो इस जगह पे आप स्कूबा डाइव जरूर करना चाहेंगे। नंबर 3, नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड। ये दुनिया की उन जगहों में से है जहां आप जा नहीं सकते। अगर आप वहां चल भी गए तो आप वापस नहीं लौटोगे। इस जगह को दुनिया की हार्डेस्ट प्लेस टू विजिट कहा जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों। ये सेंटिनेल आइलैंड बे ऑफ बंगाल के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में से एक है। ये बहुत ही अजीब बात है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मोबाइल फोन या इंटरनेट की कोई जानकारी नहीं है। ऐसी ही एक ट्राइब मौजूद है इस आइलैंड में जो आज की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी परिचित नहीं है। ये लोग उन कम्युनिटीज में से हैं जो बिल्कुल अपरिचित है। इस जगह पे रहने वाले लोग बाहरी इंटरफेरेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर आप इस आइलैंड पे जाओगे तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्हें बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस जगह पे वो किसी भी बाहरी इंसान को आने नहीं देते हैं। इस जगह पे जो लोग रहते हैं उन्हें सेंटिनेलीज कहा जाता है। ये सेंटिनेलीज उन एंशिएंट ह्यूमंस की पीढ़ी है जो अफ्रीका के जंगल में रहते थे। ये शुरुआत के कुछ एंशिएंट ह्यूमंस में से एक है। ये लोग और इनके पूर्वज इस छोटे से आइलैंड पे पिछले 60,000 साल से रहते आ रहे हैं। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन हो, अनजाने में ये आपको हमेशा एक ही तरह से ट्रीट करेंगे, धनुष और भाले से। अगर आप उनको वहाँ पे जाके खाना और कपड़े भी दो तो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2004 की सुनामी में जब रेस्क्यू टीम वहाँ पे गई थी उन लोगों को बचाने के लिए, तब भी वो लोग इन रेस्क्यू मेंबर्स को वहाँ से भगा दिए थे। उस समय जब इंडियन नेवी हेलीकॉप्टर पे रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुंची, तब उन्होंने बहुत शत्रुता के भाव से व्यवहार किया। जब वो हेलीकॉप्टर जमीन के करीब आके उन लोगों को खाना बांटने की कोशिश कर रही थी, तब उनमें से एक सेंटिनेलीज ने एक एरो हेलीकॉप्टर के तरफ शूट कर दिया। इस ट्राइब के बारे में बहुत कम ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इनकी भाषा अननोन है और इनकी आदतें भी। ये पूरा आइलैंड घना जंगल में घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग इनको ऊपर से ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते कि ये आखिर अपने जिंदगी को जीने के लिए क्या क्या करते हैं। विचारकों का मानना है कि ये लोग फल, मछली और जानवरों को खा के अपना पेट भरते हैं। ये सेंटिनेल आइलैंड अंडमान एंड निकोबार के अंदर ही आता है, पर शायद ही ये लोग जानते होंगे कि ये लोग इंडिया में रहते हैं। इनके साथ बात करने की कोशिश, फ्रेंडली कॉन्टेक्ट करने की कोशिश बहुत बार की गई है, पर वो हमेशा गलत तरीके से ही रिएक्ट करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी इस जगह पे हेल्प करने के लिए जाना छोड़ दी और इस जगह को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और इस जगह से 6 किलोमीटर दूर एक बफर जोन बना दिया गया ताकि टूरिस्ट, मछुआरे और एक्सप्लोरर्स इस जगह पे न जाएं। पर अभी भी घटनाएं होती रहती है। जब मछुआरे इस जगह के आसपास भी जाते हैं तब ये लोग उन्हें मार देते हैं क्योंकि इन्हें बाहरी इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन लोगों के पास कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है और ना ही मेडिकल साइंस। इन लोगों के पास किसी बीमारी का टीकाकरण भी नहीं होता, तो ये लोग बीमारी से कैसे बचते होंगे। ये आइलैंड और यहाँ के निवासी ऐसी ड्रास्टिक हालत में भी बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस और हेल्प को इग्नोर करके कैसे जी लेते हैं, ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 2, द ओवरटन ब्रिज। स्कॉटलैंड में एक बहुत ही रहस्यमय ब्रिज है जिसका नाम है ओवरटन ब्रिज। इसे 1895 में एक सिविल इंजीनियर H.E. मिलनर ने बनवाया था। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कुत्ते सुसाइड कर लेते हैं और लोग आज तक पता नहीं कर सके कि कुत्ते आखिर वहाँ सुसाइड करते क्यों हैं। ये ब्रिज इसके नीचे से बहती हुई पानी की स्ट्रीम के
करीब 45 फीट ऊपर है। साल 1950 से लेकर आज तक लगभग वन डॉग पर ईयर के हिसाब से 50-60 कुत्ते की मौत हो चुकी है। कुत्ते सुसाइड कर लेते हैं ये अजीब बात नहीं है, अजीब बात यह है कि हर कुत्ते ने एक ही सिचुएशन में इस ब्रिज से जंप किया। लोगों ने नोटिस किया कि वो उसी समय इस ब्रिज पर से जंप कर लेते हैं जब यहाँ का मौसम साफ होता है। और दूसरी अजीब बात यह है कि हर कुत्ता इस ब्रिज के एक ही जगह पर से जंप करता है और वो भी साफ मौसम में। और ज्यादातर कुत्ते जो जंप करते हैं उनके लंबे लंबे बाल होते हैं। हालांकि इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर बहुत सारे थ्योरीज हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस ब्रिज पे कोई भूतिया ताकत है जो इस ब्रिज पे कुत्तों को सुसाइड करने पे मजबूर कर देती है। यहाँ की एक बहुत ही फेमस कहानी है जो कहती है कि रात के समय एक आदमी अपने बच्चे के साथ इस ब्रिज पे खेल रहा था। उसे बहुत ही अजीब सा कुछ महसूस होता है और उसी अजीब सेंसेशन के चलते वो अनजाने में अपने बच्चे को ऊपर से गिरा देता है और वो खुद भी गिर जाता है। बच्चा तो मर जाता है पर वो खुद किसी भी तरह कम चोट के चलते बच जाता है। जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा कि उस समय उसे कोई होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि जिस दिन उस बच्चे की मौत हुई उसी समय से ये ब्रिज हॉन्टेड बन गई। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते की कई एक्स्ट्रा सेंस होती है और वे वो सब देख सकते हैं जो एक आम इंसान को नहीं दिखता। लोग कहते हैं कि कुत्ते को उस पुल के नीचे कुछ अजीब सेंस होता है जिसके चलते कुत्ते वहां से सुसाइड कर लेते हैं। रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के जानवर विशेषज्ञ डेविड सेक्सटन ने फाइनली एक साइंटिफिक तरीके से ये खोजने की कोशिश की कि आखिर ये डॉग सुसाइड क्यों कर लेते हैं। डेविड सेक्सटन ने ये खोज निकाला कि ब्रिज के नीचे से माइस और मिंक की गंध आती है और शायद इसी के चलते ये कुत्ते उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक खेत में माइस और मिंक की गंध फैला दी और देखा कि कुत्तों का क्या रिएक्शन होता है। 10 कुत्ते में से 2 कुत्तों को उस गंध से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर बाकी 8 कुत्ते उस गंध की तरफ आकर्षित हो गए। इस थ्योरी ने आखिरकार हमें साइंटिफिकली प्रूफ कर ही दिया कि पिछले 50 सालों से ये कुत्ते यहाँ पर सुसाइड क्यों कर लेते हैं, है ना? नहीं, मैंने नहीं इसलिए कहा क्योंकि वहाँ के निवासियों ने ये दावा किया है कि दशकों से यहाँ पर कोई माइस या मिंक नहीं है। जॉन जोएस नाम का एक हंटर है जो इस जगह पे 50 साल से रहते आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा, देयर इज नो माइस एंड मिंक अराउंड हियर, आई कैन टेल यू दैट विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। इसका मतलब ये माइस और मिंक अभी कुछ साल पहले से ही आए हैं, पर उसके पहले भी तो कुत्ते वही रेट से सुसाइड करते थे। और ये माइस और मिंक वाली थ्योरी हमें ये भी नहीं समझा सकती कि ये कुत्ते उस ब्रिज की एक ही जगह से सुसाइड क्यों करते हैं। इस दुनिया में और किसी ब्रिज पे तो ऐसी कोई घटना रिकॉर्ड नहीं की गई। इसका एग्जैक्ट आंसर हमें अभी तक नहीं मिली है और ये अभी तक एक मिस्ट्री बन के रह गई है। नंबर 1, हेलटाउन, ओहायो। 1960 के समय में यूएस गवर्नमेंट ने नॉर्दर्न ओहायो में बहुत ही बड़ा जमीन के घेरे को खरीदा। उस जमीन को यूएस गवर्नमेंट एक नेशनल पार्क को बनाने के लिए खरीदी थी। यूएस गवर्नमेंट ने उस जगह को पूरी तरह से खाली करवा दिया था और वहाँ के लोगों को शिफ्ट करा दिया था एक नए जगह पे जहाँ पे वही सुविधा अवेलेबल थी। जितने भी घर बच गए थे उसे गवर्नमेंट ने पूरी तरह से जला डाला था। अजीब बात यह है, आज तक वो नेशनल पार्क वाली प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुई। जी हाँ, आज तक नहीं। और इसी के चलते विचारकों का मानना है कि गवर्नमेंट नेशनल पार्क बनाने के लिए नहीं बल्कि किसी और बड़ी वजह के लिए वहाँ के लोगों को हटाया था। उस वजह के बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला, पर बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकाली गई। सबसे कॉमन थ्योरी ये कहती है कि उस समय उस शहर में कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके चलते वहाँ के लोग म्यूटेट हो गए थे। म्यूटेशन शरीर में एक तरह की चेंज होती है जो शरीर में मौजूद डीएनए के लेवल में होती है। ये नेचुरल कॉजेस से भी हो सकती है और केमिकल कॉजेस से भी। जो केमिकल कॉजेस से होती है वो किसी भी इंसान को बहुत ही अजीब बना सकती है, उसे म्यूटेट कर सकती है। विचारकों का मानना है कि उसी केमिकल एक्सपेरिमेंट के चलते केमिकल्स पूरे शहर में फैल गई थी और वही केमिकल्स कई लोगों की म्यूटेशन की कारण बन गई थी। विचारकों का मानना है कि जब गवर्नमेंट लोगों के घरों में आग लगाई थी
तभी उन्होंने उन म्यूटेटेड इंसानों को जला डाला था ताकि उस एक्सपेरिमेंट की भनक किसी को ना पड़े। अब इस पॉइंट में दम बहुत है। अब आप ही सोचिए, एक लैंड एरिया जो नेशनल पार्क बनाने के लिए खरीदी गई थी, उस जगह पर आज तक कोई पार्क नहीं बना और ये आज तक पूरी वीरान पड़ी है। ये बात तो बड़ी अजीब है, मतलब कुछ तो रहस्यमय है इस जगह पे। तो इन पांच जगह में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं हर दो दिन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।